मेरा नाम रमेश लाल आर्या है। मैं बीएड तृतीय सेमेस्टर का छात्र हूँ। मैं को कॉलेज बिजबुजी बाजपुर से बीएड कर रहा हूँ। अभी मेरा रोल नंबर है 18-10-75-40-00-74। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत पाठ अमोदनी नामक पुस्तक से पढ़ेंगे 10वां पाठ। बच्चों, आप लोग जानते होंगे हमारे देश को आज़ाद कराने में किन किन महापुरुषों का योगदान रहा। महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। आप लोगों ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के बारे में सुना होगा। जी सर। उनके बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तराखंड के थे। तो आज का प्रकरण जो होगा हमारा, वो होगा पंडित गोविंद वल्लभ पंत। पाठ 10 निकालो, पंडित गोविंद वल्लभ पंत। उत्तराखंडे समय समय अनेका महापुरुषा अभवन, तेषु पंडित गोविंद वल्लभ पंत अग्रणी अस्ति। स्वप्रख्यात राजनीतिज्ञ, कुशल वक्ता, संसदीय प्रथाया मर्मज्ञ, देशस्य नवनिर्माता चासी। उत्तराखंड में समय समय पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया, जिसमें से पंडित गोविंद वल्लभ पंत का नाम अग्रणी है। यह एक कुशल राजनीतिज्ञ थे और एक वकील भी थे। हिमालय पुत्र पंत महाभाग्य 1887 सितंबर मासस्य 10वें दिनांक अल्मोड़ा जनपद से खुड़ग्राम में जन्म अल्भव। इनका जन्म जो हुआ था 10 सितंबर 1887 में खुड़ग्राम अल्मोड़ा जिले में हुआ था। तस्य पितु नाम मनोहर पंत, मातुश्च गोविंदी देवी आसीत। इनके पिताजी का नाम जो है मनोहर पंत और माता का नाम जो था गोविंदी देवी था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो हुई थी रैमजे इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से। उच्च शिक्षा के लिए सह उच्च शिक्षार्थी प्रयाग नगरम अगच्छत, या उच्च शिक्षा के लिए प्रयाग नगर चले गए थे। तत्रतः विधि परीक्षा प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण अधिवक्ता कर्मे आरभतः। इन्होंने जो वकालत दी थी, वकालत की डिग्री जो इन्होंने हासिल की थी वो प्रथम श्रेणी में हासिल की थी। स्वजीवन अनेकान कष्ट कष्टान असह, तथापि स्वदेश देश सेवा कार्य विचलित न भवत। इनके जीवन में अनेक कष्ट आए लेकिन वह देश सेवा के लिए कभी विचलित नहीं हुए। आंग्ल शासकानां अत्याचारणे विरुद्ध स 1916 ख्रीस्ताब्दे कुमाऊँपरिषद संस्थाया स्थापना। इन्होंने जो की थी कुमाऊँपरिषद की स्थापना 1916 में की थी। आंग्ल शासकानां, इसका अर्थ आप लोगों को पता है, आंग्ल शासकानां, आंग्ल शासकानां का अर्थ होता है अंग्रेजी शासन। और दूसरा अत्याचारणां, अत्याचारणां का अर्थ होता है अत्याचार, अंग्रेजों के अत्याचार से कुपित या दुखी होकर उन्होंने 1916 में क्या की थी, कुमाऊं परिषद की स्थापना की थी। कुली बेगार प्रथाय उन्मूलन उत्तम आंदोलन सफलता, इन्होंने जो है कुली बेगार प्रथा का भी अंत करने में, उसमें भी इन्होंने सफल आंदोलन किया था, उसमें प्रतिभाग रहा था, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था उसमें। सर्वोच्च देशा यदा साइमन कमीशन इति अस्य विरोधः अभवत्। इस आंदोलन से साइमन कमीशन का पूरे देश में जोर शोर से विरोध हुआ। सोपि लखनऊ नगरे आंदोलन सम्मिलितम आसीत। आंग्ल आरक्षा तो ब्रिसम अताड़ायन। ये गोविंद वल्लभ पंत जी लखनऊ नगर गए थे। इस आंदोलन का अर्थ होता है पुलिस कर्मी द्वारा इनको बहुत मारा और पीटा गया था। अताड़ायन मारना पीटना। तो बच्चों, आपको ये आंग्ल अड़ातेन का अर्थ समझ में आ गया होगा। इसको आप उदाहरण आपको गृहकारी दूंगा इसको आप। बच्चों, अब आप अपना गृहकारी नोट करो। पहला सवाल है आपका पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म कब हुआ, और दूसरा सवाल प्रश्न है आपका पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के पिताजी का नाम क्या था। बच्चों, आपने गृहकारी नोट कर लिया? यस सर। आज अब हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी इससे आगे को कल पढ़ेंगे। ये हमारी माइक्रो टीचिंग की लेसन प्लान डायरी है। ये हमारी है संस्कृत की, जिसमें ये हमारी लेसन प्लान डायरी है
यह संस्कृति, इसमें हमने 20-20 प्लान बनाए हैं। दूसरा हमारा सामाजिक अध्ययन, इसमें भी हमने 20 प्लान बनाए हुए हैं। फिर है सूक्ष्म शिक्षण, इसमें 5 ये सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य है, इसमें 5 प्लान बनाए हुए हैं। फिर है ऑब्जर्वेशन लेसन प्लान, इसमें हमने एक दूसरे को जो हमारे सहपाठी हैं एक दूसरे को ऑब्जर्वेशन किया हुआ है हमने इसमें। और यह हमारा कम्युनिटी वर्क, जो भी स्कूल में हमारे की डायरी है। और यह है स्कूल ऑब्जर्वेशन, जो हमने टीचिंग के समय स्कूल में ऑब्जर्व किया था, उसकी टीचिंग डायरी है। यह हमारे असाइनमेंट, एक संस्कृत का है और एक सामाजिक अध्ययन का है। और दूसरा जो हमारा एनवायरनमेंट का है, पर्यावरण से संबंधित। और यह है हमारी आलोचना पाठ्य पुस्तिका, इसमें प्लान बनाया हमने 5 बार। और एक फाइनल टीचिंग का है संस्कृत, इसमें प्लान है। धन्यवाद।